आषाढ़ मास महात्म्य में आप श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से तीर्थों के महात्म्य और उसकी महत्ता का वर्णन सुन रहे हैं। आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य के छठे अध्याय का, जिसमें देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी शुद्धा तीर्थ और अहल्या संगम तीर्थ का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद अब शुद्धा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्व नाम से एक सिद्ध महर्षि हुए। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूख से पीड़ित होकर अनेकों आश्रमों में घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम में आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को शुद्धा से पीड़ित अर्थात भूख से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देखकर कण्व का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, फिर भी गौतम के घर में मैं भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और वहीं उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र और संयत चित होकर कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। कण्व बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है तथा सभी लोगों को पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी, तुम्हें नमस्कार है तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई क्षुधा देवी, तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम्हें पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। हे कल्याणकारिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा, तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांति करी, तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, तुम्हें प्रणाम है। कण्व के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए, एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी क्षुधा की भयानक मूर्ति। द्विज श्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। हे शुभे, ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं, तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम सात धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो, तुम्हें नमस्कार है। क्षुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम्ही हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कर्ण का ये वचन और स्तुति सुनकर गंगा और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुवृत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा जी से ऐसा कहकर द्विज श्रेष्ठ कण्व ने क्षुधा देवी से कहा, क्षुधे, तुम तृष्णा और दरिद्रता रूपिणी, अत्यंत पापमयी तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी मत रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दारिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करें, वे धन संपत्ति के भागी हो जाएं। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्र। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है, उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह सात द्वीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा यदि कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर मैंने गौतम को अहल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर
सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरी प्रदान किया, जो परम पवित्र समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहां अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी, अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध नहीं रही और ऋषि के शाप का भय भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ बाहर गए। उस समय उचित अवसर जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो गया है, मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ही समझा। ये कोई जार पुरुष है, ये बात उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ वापस लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम में आते, तब प्रियवादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन द्वार पर अहिल्या को ना देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा मान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं, सभी लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक तथा घर में कामकाज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर कहने लगे, भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं। ओहो, आपकी तपस्या का ही ये प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। ये बात सुनते ही गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन गया हुआ है। उन्होंने पुकारा, प्रिय अहिल्ये, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या ने उस जार से कहा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ ही पाप कर्म किया है। ऐसा कहती हुई वह भय के मारे शैया से उठकर सहसा खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या थर थर कांप रही थी, उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बुलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है, यदि झूठ बोलेगा मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं शची का स्वामी इंद्र हूँ, मुझसे ही ये पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा वह सत्य है। ब्राह्मण, कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप तो करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। इंद्र की बात सुनकर गौतम बोले, इंद्र, तूने कामासक्त होकर ये पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहिल्या बोली, भगवान, जो पापिनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती है, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। ये इंद्र आपका रूप धारण करके ही मेरे पास आया था, ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है, अहिल्या ठीक कह रही है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया। शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था।
तत्पश्चात देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापिष्ट की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। ये देख महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो, इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्रों चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे, तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा।